इतना पता था कि सुबह आएगी मम्मी तो मुझे गाली गई। अब धीरे धीरे ये दवा खाने के लिए बोला है और ये मलम लगाने के लिए बोला है। और देखो अब इस तरह से बांधा भाई, सही में बहुत दुख रहा था यार। वीडियो कैसे दोस्तों, आई होप सब बढ़िया होंगे, हमें समझ रहना। एंड मैं रोज की तरह आज भी देखो इन रातों में घर के अंदर से इंट्रो मार रहा हूँ। क्यों पता है? क्योंकि यार तुम्हारे भाई ना अभी कहीं जा नहीं पा रहा है, ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहा। मगर क्यों? ये देखो ठीक है, ये घाव देख सकती हो, बहुत मतलब दुख रहा है यार, सही में कहीं जा नहीं पा रहा हूँ, सुजुगा चला नहीं पा रहा हूँ, दिक्कत हो रही है मेरे को। बट जो भी हो, जैसे तैसे मैं जा रहा हूँ सिटी, अपना जो काम है रेगुलरली वो काम करने का। पता है मैं इतना खुलना ट्राई कर रहा हूँ, जो कल का बैंडेज बना था ना, ये बैंडेज भाई खोल रहा हूँ चिपक गया, निकलता नहीं है, बहुत दर्द हो रहा था। तो उसके बाद मैं डायरेक्टली मेडिकल गया, ठीक है, हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल जाके वहाँ पे डॉक्टर से मैंने खुलाया। तो गैस देखो हो चुका है, एंड ये दवा दिया गया मुझे, ये दवा खाने के लिए बोला है और ये मलम लगाने के लिए बोला है। और देखो अभी इस तरह से बांधा भाई, सही में बहुत दुख रहा था यार। और फिर वहां से मैं निकल के डायरेक्टली आया घर, और बहन को ऑलरेडी मैंने बोल दिया मम्मी आएगी तो मम्मी के पास में जाऊंगा, और वो तो डांटेगी मुझे पता है। कल फोन में रात में मम्मी पापा मेरे को इतना डांट सुनने को मिला मुझे, और मुझे इतना पता था कि सुबह आएगी मम्मी तो मुझे गाली करेगी। तो बहन को मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि कैमरा लेके खड़ा रहना। तो जैसे मैं आया डायरेक्टली मम्मी पास चला गया और मम्मी ने बुलाया दिखाया, तो भाई वाला सीन आप लोग खुद देख लो। अस्ति वहाँ चापुखा गएछ नि त डुल्नुलाई, अनि यहाँ नजा बाबा हुँदैन नजा भन्दा भन्दा गएर उहाँबाट आएर आमा बाउले घाममा डढेर काम गरिरहेको छन्, छोराछोरीलाई सुख पाओस् भनेर एक दिन दुःख दिएको छुइनँ छोराछोरीलाई। कसले ओइ प्याच्चै बोल्नुहुन्छ टोटले खुल्नु भने छ तै लाग्छ क्या खुल्नु सकिदिन पुरा उखेर खुल्नी थियो पुरा खुल्नी थियो आइ सबैबाट त्यो सुताहरु पुरा मा आइ जानु हुन्छ सुता काट भयो काटला पछि त्यो निकलाएर अनि लास्टमा सुता एउटा गर्ने सुता टास्ने मान्छेले कति चिन्ता रात भरि चिन्ता लागेर मलाई अहिले बात गर्नु हुँदैन के आज पनि सेटिङ आज पनि गरे अ हुँदैन अहिले कामै गर्दैन लाग्छ गरम पानी ले बिटा गरम पानी मिस मिलाई बन्नु हुँदैन मिलाई गरिन तानु निकै पिल्छे हो पिल्छेको मात्रै रहेछ। और उसके बाद दोस्तों मैं कहीं जाने के लिए सोच रहा था बट गया नहीं, ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई मुझे ना जाने का मन है लेकिन नहीं जा पा रहा हूँ। रीज़न ये है, जो दर्द होता है दोस्तों वो दर्द बहुत ही ज़्यादा बहुत ही बड़ा है, और मैं इतना ही बोलता हूँ भाई लोग सेफ राइट आप लोग भी करो। तो एनीवे देखता हूँ कब तक होगा, शायद एक दो दिन फिर मेरा ब्लॉग लेट हो सकता है, नहीं आ सकता है, तो कोई ना मेरे भाई लोग डेली ब्लॉग चलेगा, बट एक दो दिन थोड़ा सा कवर कर लेना, मेरा प्रॉब्लम चल रहा है। जितना हो सके मैं उतना ब्लॉग बनाने ट्राई करूँगा, और मैं इतने बोलता हूँ मेरे भाई लोग सपोर्ट दिखाओ। तो मैं इस वीडियो को यही करता हूँ, बस आज ब्लॉग नहीं था, बस दिन में क्या थोड़ा कुछ इधर उधर किया, बस वही दिखाया आप लोग को, एंड आने वाला टाइम में मैं आप लोग को अच्छा बेस्ट कंटेंट देने ट्राई करूँगा मेरे भाई लोग। तो बस इतने ही बोलता हूँ, इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दो, सपोर्ट दो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड मिलते हैं दूसरी ब्लॉग में, यानी कल या परसों कभी आने वाला, तो उस ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।